चलें। सारी तैयारी तो हो गई, इधर हमने आलू बॉयल करने रखे थे उनको भी खोलकर चेक कर लेते हैं। बहुत गर्म है तो हम इस तरीके से नाइफ की मदद से निकाल रहे हैं और इसको ट्रे में रखेंगे और फिर कट करके इनको देख लेंगे कि ये अच्छे तरीके से बॉयल हुए भी या नहीं। जी हाँ बिल्कुल, हम साबूदाना खिचड़ी ही बनाने जा रहे हैं, वो भी बिल्कुल सिंपल तरीके से, ज़्यादा तामझाम नहीं। तो ये आलू हमारे बहुत अच्छे तरीके से बॉयल हो गए हैं, इनको छील लेते हैं। तो साबूदाना खिचड़ी आपने अपने अपने तरीके से बनाई ही होगी और इस तरीके से हम बनाएंगे, आप इसको किसी भी उपवास में खा सकते हैं। तो इस तरीके से सारी तैयारी आप पहले कर लें। मूंगफली हमने सेक के रख ली है, आलू बॉयल करके रख लिए हैं, साबूदाना हमने भिगो दिया था। तो लीजिए चलिए अब छोंक लगाते हैं। बिल्कुल ही सादा तरीके से हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। ये देखिए साबूदाना अच्छे तरीके से फूल गया है। इसको करीब 3 से 4 घंटे भिगोना पड़ता है। तो थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और जो आलू हमने बॉयल करके रखे थे पहले उनको डालकर थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। और इधर जो मूंगफली हमने भून कर रखी थी उसको इस तरीके से थोड़ा सा ग्राइंड कर लेंगे और थोड़ी सी साबुत बचाएंगे। और यहाँ पर हम सेंधा नमक का इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि हमने इसका इस्तेमाल व्रत में करना है। थोड़ी सी हल्दी डालेंगे, नमक डालेंगे और इसको हल्का सा फ्राई होने देंगे और जो साबुदाना हमने सोख करके रखा था उसको भी ऐड कर देंगे। और साबुदाना डालने के बाद एक बार अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर दीजिए। थोड़ी सी लाल मिर्च का भी इस्तेमाल किया है हमने। 3 बन रही है। सारा कमाल इसका भिगोने पर है। यहाँ पर हमने जो मूंगफली तल के रखी थी उसको थोड़ा सा ग्राइंड कर लिया है, थोड़ी सी हमने साबुत बचा ली है। ग्राइंड करने का मतलब ये है कि बिल्कुल ये साबूदाना और आलूओं पर बिल्कुल लिपट जाएगी तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। अब थोड़ा सा हरा धनिया और हरी मिर्च बारीक बारीक काट कर ऐड कर देंगे। अच्छे तरीके से मिक्स कर दीजिए। है ना बनाना कितना आसान, बिल्कुल ही सिंपल तरीके से हमने इसको बनाया है। तो चलिए इसको प्लेट आउट करते हैं और देखिए कलर कितना अच्छा आया है, कितनी खिली खिली बनी है। और इसके ऊपर थोड़ी सी हमने साबुत पीनट का इस्तेमाल किया है। आप भी ट्राई ज़रूर करें।